दिल्ली एनसीआर में बढ़ता पालतू कुत्तों का खौफ, नोएडा गाजियाबाद में कुत्तों से डरने लगे लोग, कुत्तों के काटने के मामलों में हो रहा इजाफा, पिटबुल डॉग का सबसे ज्यादा आतंक। गाजियाबाद से कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें लिफ्ट में जा रहे बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था। तो एक बार फिर गाजियाबाद के संजय नगर के सेक्टर 23 से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल यहाँ पार्क में एक बच्ची पिटबुल डॉग को घुमा रही थी, इसी दौरान इस डॉग ने पार्क में खेल रहे 10 साल के बच्चे पर अटैक कर दिया। हालांकि वहां मौजूद एक शख्स ने किसी तरह बच्चे को बचाया, लेकिन इस हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों को 150 टांके लगाने पड़ गए। चलिए अब आपको उस वीडियो को भी दिखा देते हैं जिसमें पिटबुल डॉग बच्चे पर अटैक करता दिखाई दे रहा है। बेटा पार्क में खेल रहा था जिसमें एक बच्ची पिटबुल कुत्ते घुमा रही थी, वो उसके हाथ से छूट गया जिसने पेटे पर अटैक कर दिया। के मुंह पे 150-200 टांके हैं, जो एक तरफ का कान कट गया नीचे से और एक तरफ का पूरा गाल फट गया। इस मामले में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए पिटबुल डॉग के मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लखनऊ की घटना के बाद भी लोग सबक क्यों नहीं ले रहे हैं, और अगर वो पिटबुल जैसी नस्ल के कुत्ते को पाल भी रहे हैं तो बाहर ले जाते समय सावधानियां क्यों नहीं बरत रहे हैं, और दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी क्यों कर रहे हैं। VK News, राष्ट्र के नाम।